लक्सर को होते हुए जगह जगह हर गांव में होते हुए आप लोगों को जगाने का काम कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह संविधान बदलने की बात करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, और राजस्थान से हमारे संविधान बदलने के लोगों ने पैदल मार्च करने, बाइकों से रैली निकालनी शुरू कर दी है। तो मेरे भाइयों, इस भारतीय रमाबाई अम्बेडकर महासभा जिनके संस्थापक डॉक्टर अनुस्वरूप जी, जिनके पति हमारे हरिद्वार के दो बार एसएसपी भी रहे हैं, फिलहाल वो देहरादून में आईजी हैं, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनुस्वरूप जी के नेतृत्व में ये जगह जगह गांव गांव में हमारा काफिला जा रहा है और लोगों को जगाने का काम कर रहा है। मेरे भाइयों, जो मैसेज हम हर गांव में हर पूरे भारत तक पहुंचाना चाहते थे, वो 30 तारीख से पूरे भारत में ये मैसेज पहुंच चुका है। जो भारत में दिल्ली से और राजस्थान से लोग, जो मंत्री लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज वो डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है LIU के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कि हरिद्वार से भारतीय रमाबाई अम्बेडकर महासभा की टीम ने संविधान स्वाभिमान यात्रा, संविधान बचाने के लिए यात्रा शुरू कर दी है। मेरे भाइयों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाली 25 नवंबर, तो ये महीना तो सितंबर का है, अक्टूबर का है, इसके बाद आएगा नवंबर। 25 नवंबर को रुड़की में नेहरू स्टेडियम में संविधान स्वाभिमान के रूप में एक समारोह होगा, एक प्रोग्राम होगा, क्योंकि 26 नवंबर को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 22 दिन में संविधान बनाकर कांग्रेस की सरकार को संविधान में ये हमारा संविधान सौंपा था, कांग्रेस की सरकार में। तो मेरे भाइयों को 26 नवंबर को प्रोग्राम ना करके हम एक दिन पहले कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह प्रोग्राम हुए। तो आप लोगों से गांव गांव में जाकर हम ये अपील करना चाहते हैं कि 25 नवंबर को आप सभी उस प्रोग्राम में सुबह 10 बजे जरूर पहुंचे। इसी मनोकामना के साथ हम इस गांव में आए हैं। तो आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि 25 तारीख में आप 25 नवंबर को रुड़की नेहरू स्टेडियम में पहुंचने का काम करें। और साइन मार दो भैया, बहुत नाम लिखने गाँव का, तो जानकारी तो सभी को रही।